गांधी महात्मा या महज एक मिथ्या। 2 अक्टूबर का दिन, राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म दिवस, पर आज की तारीख में ये बच्चों के लिए सिर्फ एक छुट्टी का, नेताओं के लिए गांधी जी पर बड़े बड़े व्याख्यान देने का, और युवाओं के लिए सुबह आराम से उठकर शॉपिंग करके कोई अच्छी सी पिक्चर देखने का दिन। भारत पाकिस्तान की तरह गांधी को लेकर भी देश दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तबका है उन लोगों का जो मानते हैं गांधी जी का आज़ादी में कोई हाथ नहीं है, और बाकी हैं वो लोग जो गांधी का सम्मान करते हैं, उनके आदर्शों की सराहना करते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है भाई गांधी को क्यों पूज रहे, तो एक असहज और गुदगुदाने वाला जवाब मिलता है, क्योंकि सब कर रहे हैं। वो बेचारे हमारी ही तरह शाला में पढ़ाई गई कुछ बातों से ज़्यादा बापू के बारे में नहीं जानते। भारत आने के पूर्व ही साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने तरह तरह के जुल्म देखे, दूसरों और खुद पर भी। कभी रंगभेद की वजह से उन्हें ट्रेन से धक्के मार कर निकाल दिया गया, तो कभी फुटपाथ पर चलने पर पीटा गया। लेकिन गांधी जी ना हताश होते ना हिंसक। क्रोधी रूप भयानक जानवर का शिकार ना होते हुए उन्होंने उस क्रोध को पालतू जानवर जैसे पाला, सदैव आत्ममंथन किया, बुराई की बुनियाद को जाना, फिर उसके खिलाफ खड़े हुए और अपने तरीके से लड़े। गांधी हमेशा कहते थे कि पीड़ितों को पहली लड़ाई खुद से लड़नी चाहिए। सुनने में अजीब सा लगता है ना, पर उनकी इस बात का संदर्भ जानना आज हम युवाओं के लिए बहुत आवश्यक है। इस बात को यूं समझें कि जब हम किसी पर उंगली उठाते हैं तो बाकी 4 उंगलियां खुद की तरफ इशारा करती हैं। बिना ग्लानी और झिझक के जब कोई खुद के अंतर मन को टटोलता है, उसे साफ करता है, तब बनता है आत्मविश्वास और असीमित साहस का वो पुल जिस पर चलकर इंसान भयमुक्त होकर जो सही है उसके लिए लड़ पाता है। जिस व्यक्ति का मन आत्मविश्वास से परिपूर्ण है, उसे ना दुनिया सता सकती है ना वो खुद। कई लोग बड़ी बेबाकी से गांधी को कायर कहने से नहीं कतराते। उनकी नज़र में हिंसा का जवाब हिंसा से ना देना डर का प्रतीक है। आज़ादी की लड़ाई में जो लोग गांधी की राह पर अहिंसा को हथियार बनाकर लड़े, वह लोग निहत्थे। हाथ में लाठी लिए हुए अंग्रेज सैनिकों का रास्ता रोक मुस्कुराकर उनकी आंखों में आंखें डालकर अपने सिर पर लाठी पड़ने के लिए खड़े होते थे। जब एक लहू लुहान होकर गिरता तो दूसरा उसकी जगह ले लेता। यह अहिंसक लेकिन साहस से लबरेज जटिल संघर्ष को दर्शाता है। यह घटनाक्रम हमें किसी अलग ही स्तर की निर्भयता का परिचय देता है। गांधी कहते हैं हिंसा का जन्म आक्रामकता से होता है। इसे यूं समझें किसी भी कीमत पर अपने आप को बचाए रखने की स्वार्थ से भरी इच्छा जो कायरता को जनती है। इसलिए असली साहस हिंसा का जवाब हिंसा से ना देने में है। रोजमर्रा के जीवन में हम कई बार मानसिक वाचिक आदि हिंसाओं का सामना करते हैं और अपनी ओर से भी हिंसक प्रतिक्रिया देते हैं। फलस्वरूप हमारे मन में कोहराम समा जाता है जो धीरे धीरे मन को असुरक्षा ग्लानी और भय से भर देता है, जिसके चलते कई बार हमारे प्रतिद्वंदी के वो अवगुण हमारे भीतर आ जाते हैं जिस वजह से वो कभी हमारे लिए घृणा का पात्र बना था। गांधी जिन्हें 3 देशों ने समझा एवं अपनाया, उन्हीं की भूमि पर हम में से कई लोग आज़ादी के समय उनके लिए गए फैसलों पर, चाहे वो विभाजन से संबंधित हों या भगत सिंह की फांसी के संदर्भ में, आज उन्हें पानी पी पी कर कोसते हैं। गांधी या अन्य कोई भी महापुरुष आलोचना से परे नहीं है, क्योंकि ना तो ये देवता हैं ना ही भगवान। गांधी की जमकर आलोचना कीजिए, उनके विचारों से मुठभेड़ करिए, लेकिन उसके लिए पहले गांधी को जानिए, उन्हें पढ़िए। फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर पर पढ़े लेख के आधार पर अपनी राय बनाना गलत होगा। उनकी किताबों में उन गुणों का अवलोकन कीजिए जिसने एक गांधी को महात्मा की उपाधि प्राप्त कराई, और फिर तय कीजिए गांधी एक महात्मा है या केवल मित्र।